हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं दोबारा प्रेजेंट हूं आप लोगों के साथ। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यानी आज है 20th of February और हम बात करेंगे कि कल के दिन यानी कि 21st of February जो कि फ्राइडे का दिन है, उस दिन हम कौन से 5 इंट्राडे स्टॉक्स पे ट्रेड करें जो कि हमें एक अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है। गाइस, हम पहले आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताएंगे, प्लस हम फिर आपको चार्ट्स पे लेकर चलेंगे और चार्ट्स में मैंने पहले से ही बना रखा है, तो उसमें हम आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं या फिर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस में आप लोगों के लिए क्यों स्टॉक्स सेलेक्ट करे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो गाइस, हम देरी नहीं करते और बढ़ते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ जो कि है RIIL का। सो गाइस, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज है, तो आपको ये बाय करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। इसका CMP आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, CMP है 366, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 359 का, टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 385-394 तक के। क्यों है ये टारगेट और स्टॉप लॉस हमने लगा रखे हैं, ये हम आपको चार्ट में जरूर बताएंगे। रेमेंट बाय करने की सलाह दी जाएगी, 583 का CFP है, 570 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट आप 596-607 तक लेकर रेमेंट में लगा सकते हैं। ONGC बाय करने की सलाह दी जाएगी, 508-115 तक के टारगेट्स हम ONGC के अंदर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 95 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जस्ट डायल की बात करें तो जस्ट डायल पे भी आप बाय की सलाह बना सकते हैं, 512-533 का टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करके जस्ट डायल के अंदर चल सकते हैं, 480 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जस्ट डायल के अंदर रखना पड़ेगा। अब लास्ट स्टॉक की बात करते हैं तो लास्ट स्टॉक एक सेल साइड में है जो कि चंबल फर्टिलाइजर है, टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 146 से लेके 142 तक के, 152 पे ये ट्रेड कर रहा है और 157 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस के अंदर। सो गाइस, 5 स्टॉक्स के हमने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस नोट करवा दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा रिवाइंड करेंगे तो आप ये टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। और हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और ये 5 स्टॉक्स हमने आपको क्यों दिए हैं कल के लिए, हम उसके बारे में चार्ट्स पे जाके एक बार स्टडी ज़रूर कर लेते हैं। गाइस, उससे पहले आपको यहाँ पर नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, तो आप ये टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है और यहाँ से हम आप लोगों को कल से प्रोवाइड कराना शुरू कर देंगे। जो भी डेली मार्केट पर इंट्राडे कुछ कॉल्स होती हैं जो एक दो हमें मिलेंगी, हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पर आप लोगों के साथ नॉलेज भी शेयर करेंगे कि क्यों हमने आप लोगों को दिया, जिससे आपके जो मार्केट को देखने का नज़रिया है वो आप लोगों का बदल जाएगा और बहुत अच्छे से आप लोगों को मार्केट को देखने की जो पहचान है, जो मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, वो आप लोगों को वहाँ पर समझ ज़रूर आएगा। तो जाइए, ज़रूर फॉलो करिए, कोई भी क्वेरी आती है अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और सबसे पहला चार्ट हमने जो देखना था वो है रेमेंट का। सो गाइस, रेमेंट का चार्ट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सिर्फ इस रेड लाइन को सबसे पहले देखिएगा, आप देख सकते हैं इस रेड लाइन से और ये टॉप तक आप देख सकते हैं कि सीधी एक रैली हमें देखने को मिली है, बिल्कुल सीधी रैली देखने को मिली। रैली जब हमें देखने को मिली तो हम देखते थे कि वहाँ से हल्का हल्का एक करेक्शन करते करते ये नीचे आते रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब ये नीचे गया और ऊपर गया तो अब आप देख सकते हैं कि ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि जो इसके लो हैं आप देख सकते हैं पहला लो और दूसरा लो पहले लो के नीचे, फिर तीसरा लो दूसरे लो के नीचे, और ऐसे आप देख सकते थे कि लोअर लो बन रहे हैं और हाई भी बहुत कम होते जा रहे हैं। तो अब ये दोबारा अपने इसी लेवल पे आ चुका है जहाँ से इसने बढ़ना शुरू करा था और यहाँ से अब आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बाउंस कर रहा है। सो ये एक डबल बॉटम का काम भी कर सकता है और अगर हमने यहाँ पर जब ये चैनल बनाया तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक चैनल का सपोर्ट भी मिल रहा था एग्जैक्ट इसी लेवल पर, तो यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगा के एक बाय की रिकमेंडेशन आपको हम दे रहे हैं रेमेंट के अंदर। और अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ और मैं अगर आपको इस लेवल पे लेकर चलता हूँ, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, तो गाइज ये अगस्त की लाइन है, ये अगस्त का ट्रेडिंग कैंडल थी। अगस्त से लेकर अगर मैं 2019 से एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर एक तीसरा सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। हाँ गाइज, एक डबल बॉटम का, एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन का, लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन का शॉर्ट टर्म, और एक हम देख रहे थे कि हमने जब ये एक चैनल बनाया तो वहाँ पर भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। सो 3 सपोर्ट एक इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि शायद इसमें एक बाय अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो हमने पहला टारगेट जो आपको देना चाहा वो पहला टारगेट है, आप देख सकते हैं ये वाला। सो हम लगा के चल सकते हैं, देख सकते हैं कि जब ये लोअर लोज बना रहा है तो अगर हम देख सकते हैं ये ऊपर गया नीचे आया,
अपने इसने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ा, फिर ऊपर गया, अपने हाई को नहीं तोड़ पाया और दोबारा नीचे आ गया। तो अब जब ये ऊपर बढ़ रहा है तो ये अगर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें लगता है कि ये 605 608 तक तो आराम से जा सकता है, और जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो अब ये अपने अपर रेजिस्टेंस वाले चैनल तक जा सकता है जो कि 650 तक का भी लेवल है। सो इसको ज़रूर फॉलो करिए। RIL की बात करें तो RIL पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अक्टूबर 2019 से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है और वो एग्जैक्ट यहाँ पर अपने एक सपोर्ट दे रही है। और अगर मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ तो आप ये कैंडल देख सकते हैं कि एक 5 से 6 दिन की गिरावट के बाद हमें एक बुलिश हैमर टाइप की एक कैंडल देखने को मिली, जो कि एक नीचे से कैंडल बनी है और ऊपर जाके क्लोज होने में कामयाब हुई। और 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देखते हैं कि उसके ऊपर ही ये RIL ट्रेड कर रहा है और ज़्यादा मूवमेंट इसमें हमें देखने को नहीं मिली है। सो अभी भी एक बाय काउंटर बना सकते हैं आप इसे, और मुझे लगता है कि ये मिनिमम टू मिनिमम 890 तक तो आराम से जा सकता है। अब गाइज मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हमें देखना है कि ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट था, ये जो गिरावट थी, क्या एक्चुअल में ये सपोर्ट का काम कर सकता है और यहाँ से और ज़्यादा मंदी तो नहीं हम देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए मैं एक और ये लाइन फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पर फिर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली क्या हो सकता है। सो आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, जब मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा गाइस, तो आप देख सकते हैं कि 382% रिट्रेसमेंट लेवल पे हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिलता था। जैसे ही उसे ब्रेक करा तो उसने कहाँ पर सपोर्ट लिया, 618 जो कि गोल्डन रिट्रेस रेशियो होता है, गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो होता है, वहाँ पर जाके इसने सपोर्ट लिया और बाउंस करा, दोबारा नीचे आया। और उसने जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, हमने देखा कि वहाँ से एक उछाल आई और उसके ऊपर जाके एक लूजिंग देने में कामयाब कर गया। सो अगर ये 618 के ऊपर रिट्रेस होल्ड कर देता है, अगर ये यानी कि 360 के ऊपर ऊपर अगर ये 2-3 दिन सस्टेन कर जाता है, तो मिनिमम टारगेट जो हम लेकर चल रहे हैं वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल का होगा, जो कि 380 का होगा। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा गाइज वो होगा 406 का टारगेट। सो RIL पे भी आप बाय की सलाह बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इस पर्टिकुलरली ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे ही लगा के चलनी पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं ONGC की तरफ। तो ONGC भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें एक पैटर्न बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अपमूव दी, डाउनफॉल आया, तो अपने जो प्रीवियस सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट को यहाँ पर इसने तोड़ दिया। दोबारा अपमूव गया तो अपने हाई को नहीं तोड़ पाया और नीचे आ गया, और नीचे तोड़ने के बाद इसने दोबारा अपने प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। और अभी आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी दोनों पॉइंट्स को टेस्ट करते हुए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब ये शायद इसके ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब हम ये आपको बाय की सलाह क्यों दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये यहाँ पर तोड़ने के बाद इसे रीटेस्ट कर रहा है और दोबारा एक बार नीचे जा सकता है। हाँ गाइस, एक बार हम हो सकता है कि ये ONGC यहाँ से दोबारा नीचे जा सकता है। उससे पहले ही आप एक रेड कलर की लाइन देख रहे होंगे, मैं वो रेड कलर की लाइन आपको वीकली चार्ट पे जाके एक बार दिखा देता हूँ कि रेड लाइन पे इसने कैसे सपोर्ट लिया है। तो उसके बाद जाके हम फिर अच्छे से स्टडीज पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसने सपोर्ट लिया है, ये लिया है 2008 दिसंबर का सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि 2008 पे जाके इसने अपना ये लो मारा था, और अब उसके बाद हम देखते थे कि यहाँ से एक बाउंस आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे से एक छोटी सी एक कैंडल दे रहा है, जो कि एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये रिवर्स दोबारा दिखा सकता है। अब ये आप देख सकते हैं कि आपको मैं दिखा चुका हूँ कि 10 से 12 साल का एक सपोर्ट था जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, वहाँ से ये वहाँ पर बाइंग आई है और इसके ऊपर जाने में कामयाब होने में क्लोजिंग कर दी है। सो गाइस, एक आप इंट्राडे बाय बना सकते हैं, जो कि अगर आप जिसकी ट्रेडर्स नहीं है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर ये 103-104 रुपए के ऊपर निकलती है तो भी आप एक बाय की सलाह बनाइए। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मैंने नोट करवा दिए, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलरली डेली चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस की मैंने ट्रेंड लाइन बना सकी है, सारे टॉप्स को टेस्ट करते हुए एक मैंने लाइन ड्रॉ करी है, नीचे मैंने सारे बॉटम्स को टेस्ट करते हुए एक चैनल ड्रॉ करा है जहाँ पर ये मल्टीपल बार सपोर्ट्स लेता था। तो अब मुझे लगता है कि ये इस लेवल तक दोबारा टेस्ट कर सकता है, जो कि 143 या फिर 137 का लेवल है। अब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग आ रही है, एक दिन भी पॉजिटिव हमने मोमेंटम नहीं देखी है, और इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 159 पे था उसे भी तोड़ दिया है। तो 159 के आसपास ही हमने आपको एक स्टॉप लॉस दिया है, और हमारा जो पहला टारगेट है वो 143-142 तक का बनता है। सो इसको भी आप एक शॉर्ट की तरीके से लेकर चल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लास्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल पे भी आप देख सकते हैं
कि एक हमने देखा एक गिरावट आई, गिरावट आने के बाद हमने देखा एक छोटा सा इसने रिट्रेसमेंट लिया, यानी कि ये गिरावट का थोड़ा बहुत इसने कवर करा और हमने एक दोबारा गिरावट आते हुए देखने को मिल गई। अब आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक चैनल के अंदर काम कर रहा था और नीचे गिरावट आ गई है, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट क्यों लें, यहाँ पर हम एक बाय की सलाह क्यों लें। सो गाइस अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक इसमें एक बन रहा है ABCD पैटर्न, यानी कि ABCD पैटर्न आपको अगर जानना है तो मैंने अपनी कल एक वीडियो बनाई है जिसपे एक ABCD पैटर्न बन रहा है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको मैंने बताया और उसके टारगेट्स भी बहुत हायर है, तो जाके आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। सो गाइस ABCD पैटर्न आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके जो एक गिरावट आई है बॉटम तक, आप ये वाली बॉटम तक गिरावट देख सकते हैं, ये जो बॉटम तक एक गिरावट आई है उसका जो हम देख रहे हैं कि उसने 160 पॉइंट की गिरावट दिखाई है, जो टॉप से लेके बॉटम तक यहाँ पर एक गिरावट आई उसने 160 पॉइंट की गिरावट दिखाई है, फिर हमने देखा थोड़ा बहुत वो अपमूव करा और फिर इस लेवल से दोबारा एक गिरावट आ गई। तो अगर मैं इस लेवल से एक दोबारा गिरावट का देखता हूँ कि कितनी गिरावट आई है, तो अब आप देख सकते हैं कि इससे जो गिरावट आई है अप्रॉक्सीमेटली एक सेकेंड गए, हाँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो गिरावट आई है वो आई है 152 पॉइंट्स की गिरावट, और अगर हम बात करें तो 16-18 कैंडल यहाँ पर बनी है और 17 एक सेकेंड जी गए 16 कैंडल यहाँ पर बनी है, यानी कि जो ये लेंथ है, जो इस गिरावट की लेंथ है और जो इस गिरावट की लेंथ है वो दोनों इक्वल है, यानी कि AB लेंथ और BC लेंथ बिल्कुल इक्वल है। सो ये AB इक्वल्स टू CD पैटर्न होता है, और अगर हम यहाँ के टारगेट्स फाइंड करने की कोशिश करें तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो गिरावट आई और जब हमने उछाल देखी तो ये जो उछाल आई है ये 76% रिट्रेसमेंट लेवल तक गई है, तो अगर हम यहाँ से अगर एक उछाल देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट लगा के चल सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम ये 515-535 तक जा सकता है, और इसके हायर टारगेट्स 600 रुपये तक के भी हैं, जो कि 76% का रिट्रेसमेंट लेवल है। सो इसको आप दोबारा एक बार फॉलो करिए, अपनी वॉच लिस्ट में रखिए पांच स्टॉक्स को, इंट्राडे के अंदर अंदर तो ये फायदा कल आपको दे सकता है, पर अगर आप इसे हफ्ते तक ले होल्ड करते हैं पर्टिकुलरली पांच स्टॉक्स को तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी ये दे सकता है। सो गाइज ये मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को थी, मेरी कोई बाय या शॉर्ट की सलाह नहीं है, आपको मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा कि आप बाय ही करिए या शॉर्ट करिए, सिर्फ जो मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों को सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं कि कैसे मार्केट पे ट्रेड करना है, कैसे स्टॉक्स को फाइंड करना है, तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए भी और साइड बाय साइड आपको ट्रेड करने के लिए भी। शॉर्ट क्वांटिटी भी ट्रेड करिए और आप देखिए कि ये जो हम आपके साथ कर रहे हैं ये आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएगा अगर आप लोगों को इन पर्टिकुलर ट्रेड से फ़ायदा या लॉस होता है, जो भी लोग ट्रेड करते हैं। तो सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के साथ में और शेयर करना चाहूँगा, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे कल दो वीडियोस और अपलोड करी हैं, जाके उन्हें ज़रूर देखें, दो पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर मैंने वो वीडियो अपलोड करी है, और वो पर्टिकुलर स्टॉक पे एक नीचे अपने बॉटम पे और वहाँ से एक बाउंस बैक आने वाला है, सो हरी अप उन्हें आप मिस मत करिए, क्योंकि वो बहुत स्टॉक्स आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो वो दो स्टॉक्स की जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा नीचे, और आपको यहाँ पर आई का बटन शो कर रहा होगा, इस आई बटन को क्लिक करके आप ये दो वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये दो वीडियो भी शो कर रही होंगी बॉक्स के अंदर, तो इन दो वीडियोस को आप ज़रूर जाके देखेगा, और मेरी अपकमिंग वीडियोस और आने वाली है जिसपे आपको मैं 100% रिटर्न एक स्टॉक में एक साल में कैसे आ सकता है वो पर्टिकुलर स्टॉक की वीडियो आने वाली है जल्दी से जल्दी। और गाइस IRCTC जो कि अपने लिस्टिंग से, जो कि 300 रुपए का स्टॉक लिस्ट हुआ था और वो वहां से 2000 चला गया, यानी कि 500% से 450% तक का रिटर्न दे चुका है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, IRCTC काम क्या करती है, क्या है IRCTC, उसकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं मैं, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का आइकन शो कर रहा होगा जो कि सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर आपको एक बेल आइकन उसके साथ ही शो कर रहा होगा, तो बेल आइकन दबाएंगे तो जब भी मेरी वीडियो रिलीज होगी आप सबसे पहले उसे देख सकते हैं। सो गाइज मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ, मैं शिवांश भसीन साइनिंग।